गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है डॉक्टर ज़हीर अब्बास मौजूद फ्रॉम वन स्पाइन मुंबई। आज का हमारा टॉपिक है स्लिप डिस्क या साइटिका, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक दैट वी सी इन डे टू डे बेसिस एज ओपीडी पेशेंट्स। सो स्लिप डिस्क क्या होता है? स्लिप डिस्क बेसिकली ये रहता है कि आपकी जो कमर की गादी है वो सरक के नस को दबा रही रहती है। और साइटिका क्या रहता है? साइटिका ये रहता है जो कमर से दर्द पैरों में आता है। तो दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है, सेम ही है। एक बेसिकली है कि जो गादी सरक के नस को दबा रही उसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। दूसरी है साइटिका, जो नस दब के जो पेन आता है कमर से लेके पैरों में उसको साइटिका बोलते हैं। इसके कारण क्या क्या है? बेसिकली ये होता है कि अगर हम कभी कुछ वजन उठा लेते हैं या झुक के काम कर लेते हैं, बाइक राइड्स के वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे जर्की मूवमेंट्स होते हैं, और उसके बाद अगर जोर से कभी छींक भी देते हैं तो कभी तभी भी हो जाता है। आजकल ये क्यों कॉमन हो रहा है? क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क हो गया है वर्क फ्रॉम होम, सो उसके कारण हमारा पोस्चर मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेबल चेयर पे होता है, स्लाउच करते हैं, उसके वजह से डेली जो ऑफिस अर्गोनॉमिक्स रहता है वो बहुत ही ख़राब रहता है। और उसके साथ में हम डे टू डे कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो ये सब कंट्रीब्यूट करता है हमारा स्लिप डिस्क के लिए, टूवर्ड्स अ स्लिप डिस्क। इसमें सिम्टम्स होते हैं बेसिकली पेशेंट को बहुत ही पेन होता है जो कमर से लेके पैरों में आता है, पैरों में झुंझुनाहट होती है, चलने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, बिस्तर में करवट लेने में दर्द होता है। कभी कभार ये इतना सीवियर हो जाता है कि पैरों में कुछ कमजोरी आ जाती है, पंजा काम नहीं करता है, चलने में हम जिसको बोलते हैं फुट ड्रॉप या वीकनेस ऑफ द लोअर लिम्स बोलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि संडास पेशाब की जगह सुन हो जाती है, संडास पेशाब में कंट्रोल नहीं रहता है, वो बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ स्लिप डिस्क है जिसको कॉडा इक्मेना सिंड्रोम बोलते हैं, वो एक फॉर्म ऑफ इमरजेंसी रहता है। एक्सक्लूडिंग दिस, स्लिप डिस्क इज अ डे टू डे इशू विच इज 90% ऑफ द टाइम्स ये नॉन सर्जिकली और कंजर्वेटिवली मैनेज होता है विदाउट एनी मेडिकेशंस और विद जस्ट रेस्ट एंड मिनिमल मेडिकेशंस, नॉट नो मेडिकेशंस। और ये बोलते हैं सबसे कॉमन सबको रहता है जो भी आता है, मुझे L4-5 में गादी सर के नस को दबा रही है, 5S1 में नस को दबा रही है। वो क्यों कॉमन रहता है? क्योंकि वो सबसे लोएस्ट हमारे वर्टिब्रेज है और जिसकी वजह से गादी सरक के जो सबसे ज़्यादा मोबाइल रहते हैं, जिसकी वजह से हम नीचे झुक पाते हैं, नीचे बैठ पाते हैं, तो मोबिलिटी इज अ कॉज के इट इज़ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दीज लोकेशंस टू हैपन स्लिप डिस्क। और साथ में हमारा इवोल्यूशन हुआ है, वी आर एप एंड देन वी स्टार्टेड फ्रॉम वॉकिंग ऑन 4 limbs टू वॉकिंग टू 2 limbs, बाइपेडल हो गया है। उसके वजह से ये और भी मोबाइल बेसिकली मोबिलिटी के कारण ये रीजन्स L4-5 and 5S1 कॉमन हो गए हैं स्लिप डिस्क के लिए। तो ये स्लिप डिस्क क्या रहता है? बेसिकली ये हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं और बीच में कुशन के जैसा जो गादी है उसको डिस्क बोलते हैं। अगर कोई भी कारण की वजह से ये टेयर होके जो गादी अंदर की है वो कुशन बाहर आके नसों को दबाता है तो इसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। और जो पेन जो नर्व को जो पैर को सप्लाई करती है वहाँ पर जो कमर से लेकर नीचे तक पैरों में दर्द आता है उसको साइटिका बोलते हैं। तो अभी ये ट्रीटमेंट कैसे क्या रहते हैं इसके? ये ट्रीटमेंट इसके रहते हैं मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द टाइम्स ये ट्रीटमेंट कंजर्वेटिवली ही रहता है, जो दवाइयों से होता है या फिजियोथेरेपी से होता है, गर्म पानी के सेक से होता है, स्प्रे लगाने से उससे ठीक हो जाता है। करीबन 2-5% में ही इसको ऑपरेटिव या कोई इंटरवेंशन हमारे तरफ से लगता है, या इंजेक्शन रहते हैं या सर्जिकल रहता है। सर्जिकल में ज़्यादा करके ये मिनिमल इन्वेसिव रहता है लेज़र के तरीके से कि ज़्यादा कटिंग नहीं होती है अंदर और ज़्यादा मांसपेशियों को नहीं काटा जाता है, इससे रिकवरी फास्ट होती है। तो मिनिमल इन्वेसिव बेसिकली दूरबीन वाला ऑपरेशन रहता है जिससे हम जो गादी सरक गई है एकदम ही मिनिमल रीच से उसको निकाल देते हैं, वो डे कर प्रोसीजर जैसा रहता है, आप वही नेक्स्ट दिन जा सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस यही हैं कि बेसिकली कटिंग कम तो ब्लीडिंग कम होता है, पेशेंट अपने काम पे जल्दी जा सकता है, नेक्स्ट दिन डिस्चार्ज हो जाता है, इन्फेक्शन का चांसेस कम रहते हैं, वो अपने रूटीन वर्क पे जल्दी आ सकते हैं, घूम फिर जल्दी सकते हैं। तो सेफ बहुत जन के मन में रहता है कि सर्जरी सेफ है, कि हम सर्जरी कराने के बाद
पैरालाइज तो नहीं हो जाएंगे, घर पे बिस्तर पे लेट नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। हमारे रिश्तेदार बोल रहे हैं, हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि ये सर्जरी बड़ी ही खतरनाक रहती है और उसके बाद में आप अपाहिज हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक बहुत ही सेफ सर्जरी है जो स्पेसिफिक रीजंस और इंडिकेशंस पे किया जाता है और एक स्पेशलाइज हैंड्स के साथ। स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जो हर कोई नहीं करता है और इसके लिए हम इसलिए स्पाइन सर्जन रहते हैं। इसलिए हमारा वन स्पाइन जो सेंटर है इसको एवरीथिंग कंबाइन करता है, जैसे कि फिजियोथेरेपी भी हमारे पास है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट 90% ऑफ द टाइम ये कंजर्वेटिवली मैनेज होता है। कंजर्वेटिव में मेडिसिन रहते हैं, हॉट फॉर्मेंटेशन सेकाई रहती है, स्प्रे रहता है और जैसे ही पेन कम हो जाता है उसके बाद में फिजियोथेरेपी चालू होते हैं। फिजियोथेरेपी हमारा एकदम ही प्रोटोकॉल बेस्ड है और हम टोटली कनेक्टेड रहते हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, हमारे टीम के साथ में काम करते हैं। दूसरा है कंजर्वेटिव, अगर ये फेल होता है तो हम इंजेक्शन से भी ट्राई करते हैं कि पेशेंट को फायदा हो जाए। और अगर जो 2-5% जो ये सबको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और फिर भी उनको पेन बना रहता है, उसके लिए सर्जरी लगती है। सर्जरी पर से एक लेजर सर्जरी है, जैसे कि एंडोस्कोपी रहती है जिसमें ज़्यादा चीर फाड़ नहीं होती है, वो 100% सेफ रहती है इफ़ डन इन अ प्रॉपर सिलेक्टेड पेशेंट विद प्रॉपर इंडिकेशंस एंड विद अ विन स्पेशलाइज हैंड्स। एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं कि इसमें ज़्यादा चीड़फाड़ नहीं रहती है, पेशेंट अपने काम पे जल्दी जा सकता है, रूटीन एक्टिविटी जल्दी रिज्यूम कर सकता है, उठने बैठने में तकलीफ नहीं होती है। जैसे कि हमारे मिथ्स हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, जान पहचान वाले बोलते हैं कि स्पाइन सर्जरी कराओगे तो पैराप्लेजिया हो जाएगा, अपाहिज हो जाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, ये सब मिथ है। हम बड़ी ही स्पेशलाइज तरीके से ये सब ऑपरेशन होते हैं और टेक्निक्स बहुत ही एडवांस हो गई है और हमारे सेंटर में ये पूरा ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोटोकॉल रहता है। हम पूरा केस को डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हर एक टेलर्ड मेड डिसीजन रहता है और ट्रीटमेंट बेस्ड रहता है, जिसमें फिजियो भी हमारे इंटरेक्ट करते हैं और बाकी के टीम मेंबर्स भी।